कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कुल मिलाकर कल वाराणसी को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वाराणसी पर पीएम मोदी का इतना जोर क्यों है? इसका जवाब है वाराणसी के जरिए पीएम मोदी का पूर्वांचल प्लान, और ये प्लान क्या है अब आप समझिए। यूपी में दोबारा बड़े बहुमत से कमल को खिलाने की जिम्मेदारी लगता है पीएम मोदी ने खुद उठा रखी है। यूपी के अलग अलग इलाकों में उनके दौरे लगातार जारी हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर पीएम मोदी का खासा ध्यान है। एक बार फिर वाराणसी को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिल रही हैं। पीएम मोदी वाराणसी में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बीएचयू में डॉक्टर नर्स छात्रावास और धर्मशाला का उद्घाटन, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन का उद्घाटन करेंगे, नया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र और 475 करोड़ की लागत में बनने वाली बनास डेयरी संकुल का शिलान्यास भी पीएम मोदी वाराणसी में करने वाले हैं। ये डेयरी करीब 30 एकड़ में फैली हुई होगी और यहाँ पर करीब 5 करोड़ लीटर दूध को प्रोसेस किया जाएगा। इसकी वजह से लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। इसके अलावा बनास डेयरी से जुड़े 1,70,000 किसानों के बैंक खातों में 35 करोड़ रुपए का बोनस भी ट्रांसफर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि वाराणसी पीएम मोदी के प्राइम एजेंडे पर क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे अहम वजह है यहाँ का चुनावी समीकरण, क्योंकि बात सिर्फ वाराणसी की नहीं है बल्कि पूर्वांचल की है, और यहाँ पर जो कुछ भी काम होंगे उनका असर पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी के मिशन पूर्वांचल में वाराणसी की एक बेहद अहम भूमिका है। वाराणसी के आसपास 5 बड़े जिले मौजूद हैं। ये जिले हैं जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही। वाराणसी सहित 5 जिलों में विधानसभा की 36 सीटें हैं। 20 या उससे अधिक सीटें जीतने वाले की यूपी में जीत हुई है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी पर खास जोर है। गौर से देखा जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन इसी ओर इशारा कर रहा है। इससे हिंदू वोट बैंक सीधे सीधे प्रभावित होता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण की वजह से अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। वाराणसी और इसके आसपास लाखों दुग्ध उत्पादक है। सीधे इनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना और इतनी बड़ी डेयरी की आधारशिला रखना चुनाव में असर तो दिखाएगा। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी का यहां प्रदर्शन जबरदस्त रहा था। वाराणसी और इसके आसपास के 5 जिलों की कुल 36 सीटों पर साल 2007 में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, एसपी को 10 सीटें, बीएसपी को 20 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य को 1 सीट मिली थी। वहीं 2012 के चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें, एसपी को 21 सीटें, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन पिछले चुनाव यानी 2017 में ये आंकड़े एक तरफा हो गए। बीजेपी को 22, एसपी को 6, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अन्य को 1 सीट मिली थी। वाराणसी पर पीएम मोदी का इतना जोर बता रहा है कि इस बार कोशिश पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।